कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी हो रहा है रात के 8:30 का टाइम और हम अभी थोड़ा बहुत रेडी सेडी हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा बहुत घूम करके आते हैं। आज है क्रिसमस डे और बच्चों की दिन भर छुट्टी थी तो बच्चे कह रहे थे घूमने चलते हैं, लेकिन दिन भर माई के पापा भी ऑफिस गए हुए थे और हमें भी कुछ समझ नहीं, क्योंकि घर में भी काम था तो दिन भर हमने काम निपटाया। हमने सोचा चलो आज शाम को ही बच्चों को थोड़ा बहुत बाहर घुमा करके लेके आते हैं। हम घर से निकल रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी भी है तो इसलिए ज़्यादा अभी बातें नहीं कर पाऊँगी। मीनाक्षु रेडी हो चुका है, बहुत धूप और माही भी, क्या हो गया माही? माही बनी पड़ी है बहुत हम तो जा रहे हैं, पर एली का क्या होगा? एली पता जब हम धूते पहले जा रहे हैं। एली क्या देख रही बच्चा है, चलेगी मेरे साथ? चलेगी? हाँ जुड़ी हम, प्लीज 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 ले जाओ ना, मुझे भी कह रही है। केयर तो अपनी कोशिश है, घर की देखभाल करना ठीक है। घर नहीं गाइस, हम इसको लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन सब घर में भी अकेले नहीं छोड़ सकते, तब तो इसको नीचे आंटी को देखे जाएंगे। पहले ये देख ले। भाई हमारा ऑटो कहाँ है? मम्मी अरे बच्चों मत जाओ, ऑटो में कहाँ बैठेंगे? भाई हमारा ऑटो ये रहा। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे, और मम्मी ये लोग तो गाड़ी में जा रहे हैं और हम लोग दो तीन लोग हैं, हम माही और मैं और माही की चाची, हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा रास्ता तो ज़्यादा दूर का नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बाहर थोड़ा ठंड है तो हम लोग जा ही रहे थे, तो यहाँ पर रास्ते में एक एक्सीडेंट भी हुआ था तो थोड़ा सा जाम सा लग रहा था। देखिए हमारी गाड़ी है, साइड से नीलाक्ष देख रहा है, साथ साथ ही चल रहे थे ऑटो और गाड़ी, दोनों साथ साथ ही चल रहे थे। और वैसे ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ था शायद से बाइक से था, वो पैर में हल्की फुल्की आई थी तो पैर पकड़ के बैठा हुआ था बेचारा। और यहाँ पर हमारे ऑटो को मैं CNG भरवानी थी तो हम थोड़ा सा रुके हुए थे और हमारी गाड़ी थोड़ा सा आगे जा चुकी है, कोई नहीं हम भी पकड़ लेंगे अभी गाड़ी को। और कभी कभी तो जब आगे पीछे हो रही है ना गाड़ियाँ, हमारा ऑटो आगे चला जा रहा है तो माही खुश और उनका उनकी गाड़ी आगे चली जा रही है तो नीलाक्ष खुश, तो यही इनकी रेस लगी हुई है कि कौन आगे कौन पीछे। और मुझे तो ऐसे रेस लगाने में लगता है बड़ा डर, और मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं हम पीछे ही ठीक हैं तब भी, और ऐसे रेस मत लगाओ। और यहाँ पर माई से पूछी थी मैं ठंड लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि ये जिद करके जैकेट पहन के नहीं आई घर से। चाची को लग रही है ठंड। फुल कवर कर रखा है, हवा लग रही है। तो यहाँ पर हम लोग आगे से निकल रहे हैं और रास्ते में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि व्लॉग बनाने के लिए अच्छी लगती है, स्टैचू वगैरह थे और बहुत अच्छे अच्छी अच्छे गुब्बारे से निकल रहे थे, तो जैसे ही ना वो चीज़ें क्रॉस हो जा रही है तो याद आ रहा है कि अरे वीडियो भी बना रही है। तो ना हम सब लोग ऐसे ही हंस रहे थे और जो जो जैसे जैसे जो चीज़ें क्रॉस होती जाती है ना तो हम लोग मिस कर रहे थे, तो इसीलिए हंसी आ रही थी। तो ये सब लोग हंस रहे थे, कह रहे थे ऐसे व्लॉग कैसे बन पाएगा। और यहाँ पर आ गया था चर्च, और क्योंकि आज क्रिसमस डे है तो खूब सजा हुआ है, खूब रौनक बनी हुई है, और इतनी भीड़ यहाँ पर, इतनी भीड़ थी ना बहुत ज़्यादा। और यहीं सामने देखिए स्टैचू है, यहाँ पर है यीशु मसीह का, और ये शायद से ये भी है चर्च है, यहाँ पर वहाँ चर्च है और यहाँ पर यीशु मसीह की फ़ोटो लगी हुई है।
तो काफ़ी वहाँ से लेकर ना यहाँ तक पूरा इतना रश था, क्योंकि गुरुद्वारे और चर्च आसपास ही अगल बगल ही हैं, तो गुरुद्वारे वाले जाने वाले लोग भी थे और ये चर्च वाले तो बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए रश थोड़ा सा ज़्यादा था और रौनक भी खूब है। आज तो खूब चहल पहल हो रही है, बस आने ही वाला है गुरुद्वारा भी, और थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे जा कर के ही गुरुद्वारा है। पूरी रोड सजी हुई है आज तो, और लोग भी ना, और हम लोग सोचते हैं ना हम घर में बैठे हैं तो बाहर सारी दुनिया सो गई होगी, लेकिन जब बाहर निकलो ना तब पता चलता है कि भाई यहाँ दिल्ली है, ये दिल्ली तो कभी नहीं सोती, पूरी रात जागती रहती है दिल्ली। और देखिए अब हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारे में, ये रहा बंगला साहिब गुरुद्वारा, और हम लोग अंदर जा रहे हैं। और उससे पहले हमारी गाड़ी अभी आई नहीं है, और अभी ये लोग शायद से गाड़ी पार्किंग में लगा करके आ रहे होंगे, तो हम इन्हीं का वेट कर रहे थे, और तो मैंने सोचा जब तक वेट करते हैं तब तक थोड़ा सा मैं बाहर से ही ले लूँ। आप मिले ये लोग कहाँ खो गए थे, और माही को ठंड लग रही है, अब वो नीला ठंड नहीं लगी देखो। तो यहाँ पर हमने अपने सारे के सारे जूते चप्पल रख दिए हैं इकट्ठे करके, छोड़ दे। तो अब हम चल रहे हैं अंदर को, और यहाँ पर देखिए पानी हो रहा है, पानी में से हमारे पैर धो रहे हैं। फ्रेंड्स अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फ़ोटो भी नहीं खींचने देते, और तो मैंने इसलिए ही खड़े कैमरे में जितना मुझसे हो पाता था कैप्चर मैंने वो शूट किया, और ज़्यादा तो नहीं बनाया, बस क्योंकि जहाँ अलाउ नहीं है तो किसी रीज़न की वजह से ही नहीं होगा, तो अंदर का मैंने भी नहीं बनाया है। और क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं, हम कहीं धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं और वहाँ चोरी छिपे ये काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने अंदर का बिल्कुल भी नहीं बनाया। यहाँ तक जितना हो सकता था बाहर बाहर का ही मैंने ले लिया था, और यहाँ से अब हम अंदर जा रहे हैं, तो मैंने अंदर जाते ही अपना कैमरा ऑफ कर दिया। गाने में वीडियो लगा देते हैं, बैक तो घर तक आ जाते हैं वो, तो क्या करूँगी? आप क्या कर रही हैं? आप तो घूम रही ना मेरे पास। हाँ। मुझे लगी।
और यहाँ ना अंदर फोटोग्राफी करने नहीं देते हैं, ना ही वीडियो अलाव है ना ही फोटो। और तो थोड़ा बहुत ही बनाया है, ज़्यादा तो नहीं बनाया, बस अब तो सीधे घर ही जाना है क्योंकि टाइम भी हो गया काफ़ी और कल बच्चों ने स्कूल भी जाना है। तो टाइम से जब घर पहुँचेंगे तभी बच्चे थोड़ा बहुत सो पाएंगे। तो देखते हैं कब तक पहुँचेगा। और बाहर जाने में ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चलेगी, आते हुए भी बहुत ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ तो अंदर वैसे ज़्यादा पता नहीं चल रहा कुछ, लेकिन रास्ते में ना ऑटो में बहुत तेज हवा चल रही है और कार में हम जा नहीं सकते हैं, तो उल्टी हो जाती है, वही टेंशन है। भाई कैसा लगा? तो फ्रेंड्स अभी हम निकल रहे हैं घर को और हम लोग तो फिर से अपने ऑटो में बैठ गए हैं और इन लोगों के अभी ये लोग अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं और गाड़ी आ रही है पार्क होके। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।